हेलो एवरीवन वेलकम टू परफेक्शन हमारा के लिए जो हंड्रेड हंड्रेड आर्टिकल वाला सीरीज है उसमें हम फिर आपके साथ आज जुड़ रहे हैं और आज हम लोग स्टेट्स को शुरू करेंगे स्टेट्स में गवर्नर का जो आर्टिकल्स है उसको हम लोग आज कवर करने की कोशिश करेंगे और गवर्नर के आर्टिकल्स की अगर कंजीक्यूटिव आर्टिकल्स की बात करेंगे तो वो वन से लेकर वन तक दिया हुआ है किससे वन से वन सिक्सटी वन और ये एक एक्रोनिम के थ्रू आप इसके प्रोविजन को समझ सकते हैं गीट क्यू कॉड गीट क्यू कॉर्ट के थ्रू आप क्या देख सकते हैं गीट जी ई ए टी गीट जी फॉर देयर शैल बी ए गवर्नर ई फॉर देयर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ ए स्टेट शैल बी वेस्टेड विद गवर्नर स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो गवर्नर के पास रहेगा ए फॉर अपॉइंटमेंट गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा क्या होगा देन टर्म ऑफ ऑफिस गवर्नर का टर्म कितना रहेगा फिर क्यू कॉर्ट में क्यू फॉर क्वालिफिकेशन सी फॉर कंडीशन ऑफ ऑफिस ओ फॉर ओथ डी फॉर डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन ऑफ गवर्नर एंड पी फॉर पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर तो ये प्रोविजन गीट क्यू कॉर्ड से आप गवर्नर के जो कंटिन्यूस आर्टिकल्स है उनको देख सकते हैं अब हम लोग थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में समझते हैं चीजों को सो so, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल वन फिफ्टी थ्री कहता है देयर शैल बी अ गवर्नर क्या होगा गवर्नर होगा ओरिजिनल आर्टिकल में लिखा था कि गवर्नर होगा हर एक स्टेट का ईच स्टेट लेकिन जब हम बात करते हैं सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट की तो उसने कहा कि गवर्नर हर स्टेट का जो प्रोविज़न था ये ज़रूरी नहीं है और प्रेसिडेंट एक सेम आदमी को एक या एक से ज़्यादा एरिया का गवर्नर बना सकते हैं या फिर उसको किसी एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर का रोल दे सकते हैं ठीक है तो ये प्रेसिडेंट के पास पावर है 154 आर्टिकल के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव पावर जो गवर्नर का है वो किसके पास रहेगा गवर्नर के पास जो स्टेट्स के एग्जीक्यूटिव पावर है वो गवर्नर के पास रहेंगे और गवर्नर ये पावर या तो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं या अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स के द्वारा यूज करा सकते हैं ठीक है ना वन टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट ये इंपॉर्टेंट है अपॉइंटमेंट सो गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं बाई वॉरेंट अंडर हिज हैंड एंड सील वॉरेंट अंडर इज़ हैंड एंड सील का मतलब ये होता है कि जो भी पावर प्रेसिडेंट को मिला हुआ है वो बहुत सारे पावर्स खुद एक्सरसाइज नहीं कर, कर इसको डेलीगेट कर देते हैं लेकिन जो पावर वो खुद अपने पास रखेंगे अपने ही द्वारा एक्सरसाइज करेंगे उसके साथ वॉरेंट अंडर इज हैंड एंड सील लगाया जाता है तो गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट खुद ही करते हैं और इसके लिए क्या समझना है कि जो क्वालिफिकेशन है संविधान में दिया हुआ वो केवल दो क्वालिफिकेशन है सिटीज़न ऑफ इंडिया और 35 फाइव ऑफ एज सिटीजन और 35 साल एज जो है ये दो ही एजिए संविधान में दिया हुआ है हालांकि दो कन्वेंशन जो है वो डेवलप हुआ गवर्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर कन्वेंशन है तो ये ब्रेक हो सकता है और होता भी है कभी कभी इसमें से पहला कन्वेंशन कि वो उस स्टेट से बिलोंग ना करे जहां पर उनका अपॉइंटमेंट होना है तो बिहार के गवर्नर का अगर अपॉइंटमेंट करना है तो वो बिहार के ना होने चाहिए वो व्यक्ति और दूसरा कन्वेंशन क्या है कि उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट प्रेसिडेंट करेंगे अपॉइंटमेंट करते समय तो ये दो कन्वेंशन जो है वो डेवलप किया गया लेकिन इसमें से अगर आप देखोगे तो जो सीएम को कंसल्ट करने वाला जो प्रोविजन की बात हो रही है ये जो मोस्टली ब्रीच होता है ये फॉलो नहीं होता क्योंकि कन्वेंशन है तो ब्रीच हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन केवल दो ही क्वालिफिकेशन बता रहा है सिटीजन और थर्टी फाइव ऑफ एज ठीक है टर्म की अगर बात करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि गवर्नर जो है वो जिस दिन ऑफिस में एंटर करेंगे उस दिन से पांच साल तक का इनका टर्म रहेगा लेकिन ये टर्म जो है इट इज़ सब्जेक्ट टू प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट इट इज सब्जेक्ट टू प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट किसी भी समय गवर्नर को हटा सकते हैं और साथ ही साथ इसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं किसी दूसरे स्टेट के गवर्नर के रूप में फॉर द रिमाइंडर ऑफ द टर्म तो मान लीजिए तीन साल के बाद गवर्नर को अगर हटाना है तो हटा तो कभी भी सकते हैं बट अगर किसी दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करेंगे तो दो साल के लिए वो किसी दूसरे स्टेट में ट्रांसफर भी हो सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा यानी इनको सिक्योरिटी ऑफ टेनियोर नहीं मिला है ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ऑफिस होल्ड करते हैं ठीक है नाउ कंडीशन ऑफ ऑफिस सो ऑफिस के साथ जो कंडीशन अटैच्ड है जैसे प्रेसिडेंट के लिए था वैसे यहां पे भी आपको दिखेगा सबसे पहला कि ये किसी भी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं हो सकते अगर ऐसा कोई आदमी गवर्नर के रूप में अपॉइंट हो गया तो उसकी मेंबरशिप उसी दिन चली जाएगी जिस दिन ये ऑफिस होल्ड करना शुरू किए हैं गवर्नर के रूप में दूसरा ये कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर सकते यानी कोई भी पेड एम्प्लॉयमेंट स्टेट के अंदर ये होल्ड नहीं कर सकते तीसरा इनको बिना पेमेंट किए हुए बिना रेंट पेमेंट किए हुए इनको यूज करने के लिए मिलता है इनका ऑफिशियल रेसिडेंट जिसका नाम है राजभवन चौथा कि इनका सैलरीज और अलावेंसेज यहां इंपॉर्टेंट है सैलरीज और जो है वो डिसाइड करता है पार्लियामेंट लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि सैलरी जो है दैट इज चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट लेकिन जो पेंशन होगा दैट विल बी चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ठीक है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सैलरी अलाउेंसेज स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड पे चार्ज होगा पेंशन इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड पे अगर एक ही आदमी एक से ज़्यादा जगह का गवर्नर बना हुआ है तो उस केस में प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि किस प्रोपोर्शन में ये पैसा उन स्टेट्स में बटेगा सैलरी तो वही रहेगी बट ये स्टेट्स में किस प्रोपोर्शन में बांटा जाएगा ये प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं और लास्टली कि इनको भी इम्यूनिटीज दिया गया आर्टिकल 361 के अंदर जैसे प्रेसिडेंट को मिला हुआ है कि इनके खिलाफ सिविल और, क्रिम, और सॉरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो सकती टर्म के दौरान इनको अरेस्ट नहीं कर सकते इनके टर्म के दौरान सिविल प्रोसीडिंग शुरुआत करनी है तो दो महीने पहले नोटिस देना होगा और ये भी जानते हो आप न्यूज में भी चल रहा है बिकॉज ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नर और इनकी ऑफिशियल एक्ट्स के लिए कोई लाइबिलिटी इनकी नहीं हो सकती तो ये कंडीशन ऑफ ऑफिस है ठीक है ओथ की बात करेंगे शपथ की बात करेंगे तो ओथ इनको कौन दिलाएगा इनको ओथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन ओथ दिलाएगा जो हाई कोर्ट होगा कंसर्ड उसके चीफ जस्टिस के द्वारा इनको ओथ दिलाया जाता है ठीक है नाउ डिस्चार्ज ऑफ गवर्नर्स फंक्शन इन सर्टेन कॉन्टिजेंसी जो आपने यहाँ पे देखा कि जब हम बात करते हैं किस चीज़ का कि गवर्नर के जो फंक्शन को डिस्चार्ज करने का किसी कॉन्टिजेंसी केस में तो इसमें ना कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है कि प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए जहाँ गवर्नर का ऑफिस वैकेंट है या वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो गवर्नर का कामकाज कौन करेगा लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के अकॉर्डिंग ऐसे केसेस में जब हम बात करेंगे तो गवर्नर के फंक्शन को डिस्चार्ज करने के लिए कंसर्न स्टेट हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को बोला जा सकता है किसको कंसर्न स्टेट हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को बोला जा सकता है ठीक है तो ये आपको हमारा डिस्चार्ज ऑफ गवर्नर फंक्शन था किसमें कुछ कंटिजेंसी में और पार्टनिंग पावर की जब बात करेंगे तो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के पार्टनिंग पावर के डिफरेंसेस भी हमने वहाँ डिस्कस किया था आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं उस पर्टिकुलर वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा आप वहाँ से पार्टनिंग पावर को देख सकते हैं ठीक है ये गवर्नर के ओवरऑल आर्टिकल्स हुए इसके बाद हम लोग गवर्नर के कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को समझने के लिए आर्टिकल 163 को देखेंगे किस तरह से गवर्नर का जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो वाइडर है प्रेसिडेंट से ये अगले आर्टिकल में डिस्कस करेंगे थैंक यू सो मच